औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इदरीस सवान, एडवोकेट। और दोस्तों, 9 दिसंबर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद यह है कि दुनिया में से करप्शन का खात्मा हो। और दोस्तों, करप्शन वो नासूर है जो कि मुआशरे की जड़ों को खोखला कर रहा है। लोगों के साथ ज़्यादती हो रही हैं, लोगों के साथ इंसाफ नहीं बरता जाता, लोगों के काम मेरिट पे नहीं होते, तो अदारे हमारे कमज़ोर कर दिए गए हैं। और अगर हम करप्शन को ख़त्म कर लें पूरी दुनिया से, और बिलखसूस मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, तो फिर हम हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है, लोगों को डोर स्टेप इंसाफ मिल सकता है। तो अगर करप्शन होगी तो हमारे अदारे कमज़ोर होंगे और लोगों के पास जो है, जो माफिया है उनके पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा। तो इस तरह अमीर और गरीब की जो है ना जी, वो जो पैसे की तकसीम है वो बिल्कुल गैर मुनासिब होगी। जो अमीर है वो अमीर तर होता जाएगा और जो गरीब है वो गरीब तर होता जाएगा। तो ये पैसे की जो तकसीम है इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है करप्शन के साथ। तो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा करप्शन इस वक्त आप देख रहे हैं। और इसी वाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट है जो कि उन्होंने जारी की है पाकिस्तान के वाले से, पाकिस्तान में करप्शन के वाले से। तो उसमें बहुत ही भयानक सीन है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि पहले नंबर पे पाकिस्तान में जो अदारा करप्शन में आ रहे हैं वो है पाकिस्तान की जो पुलिस है, और दूसरे नंबर पर बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि जी दूसरे नंबर पर जो अदारा आ रहा है वो पाकिस्तान की अदलिया है। और जब अदलिया की बात मैंने सुनी, मैंने देखी, तो बहुत ज़्यादा यकीन जाने मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अदलिया जैसा हमारा इतना ज़बरदस्त अदारा, जिसे हम समझते हैं जी बहुत ही ज़बरदस्त है और मुकद्दस गाय है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो ईरान की इस बात पे है कि दूसरे नंबर पे ये अदारा आ गया। तो अब हमें सोचना होगा, अब हमारे इदारों को सोचना होगा, अब हमारी अदलिया के जो आला हमारे अहदेदार बैठे हुए हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस साहिबान हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस साहिबान हैं, उन्हें ये सोचना होगा कि हमने अपने इदारों को किस तरह साफ करना है। हमने उन लोगों पे हाथ डालना है जो कि हज़ारों में चंद हैं, जो कि सैकड़ों के बाद एक आता है जो करप्ट बंदा है, पूरे अदारे को बदनाम कर रहा होता है। तो हमने उन लोगों पे हाथ डालना है, हमारी अदलिया ने उन पे हाथ डालना है, ताकि ये अदलिया जैसा मुकद्दस पेशा, मुकद्दस शोभा जो कि लोगों को इंसाफ फराम कर रहे हैं, तो इसमें तमाम वो जो छोटे मोटे जो किसी जगह पर करप्ट लोग बैठे हुए हैं, तो उन्हें वहाँ पर उन पर हाथ डाला जाए, उन्हें रोका जाए, ताकि हमारा जो ये मुकद्दस अदारा है ये अपने आप को ठीक करते हुए लोगों को डोर स्टेप पर इंसाफ फराम करें। तो बहरहाल हमारे तमाम अदारों को सोचना होगा, हमारी हुकूमतों को इस पर मैकेनिज्म ऐसे सेट करने होंगे ताकि करप्शन पाकिस्तान में से मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए और तमाम हमारे इदारे पाक हो जाएं। इसके अलावा मेरी गुजारिश अवाम उन्नास से भी है कि अवाम के अंदर भी जो करप्शन है, जो हम लोग करप्शन कर रहे होते हैं, हम तमाम एज अ पर्सन, हम इंडिविजुअल जो लोग हैं, हम सारे लोग जो करप्शन कर रहे होते हैं, तो हमें भी सोचना चाहिए। हमें अगर हमारे साथ कोई ज्यादती होती है, किसी जगह हमें करप्शन नज़र आती है, तो हम उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं, हम प्रॉपर फोरम पे जाके बात करें, हम अदलिया का दरवाज़ा खटखटाएं और उस करप्ट अदारे के खिलाफ या उस करप्ट पर्सन के खिलाफ जो है ना, हम स्यू करें, ताकि हमारे मुआशरे में से ये नासूर ख़त्म हो और हमारा मुआशरा जो है ना जी तरक्की कर सके और लोगों को, जो लोगों के साथ होने वाली ज्यादतियाँ हैं, उनका सही मानों में अजाला हो सके। यही मेरी गुजारिश है पूरी दुनिया से, बिलखसूस पाकिस्तानी आवाम से।